विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ भगवान के रक्षक क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाने वाले बटुक भैरव नाथ जी के कपाट भारी बर्फबारी के चलते पूजा अर्चना के साथ 6 महीने यानी कि शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी शिवलिंग महाराज ने कहा कि भगवान भैरवनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले सभी पूजा अर्चनाएं की प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे तक तीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई की गई। इस दौरान मुख्य पुजारी शिवलिंग ने कहा कि इस मौके पर भैरवनाथ जी का आह्वान है कि हवन यज्ञ के बाद श्री भैरवनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। श्री गुरुभ्यो नमः। आज इस केदार क्षेत्र की क्षेत्रपाल भुकुंड भैरवनाथ की कपाट आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद हवन के सहित यहाँ भैरवनाथ की कपाट बंद हो चुकी है। आज से यहाँ केदारनाथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और 15 तारीख को प्रातःकाल भस्मी पूजन के साथ साथ केदारनाथ की कपाट भी 15 तारीख को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद हो जाएगी।